यहाँ पे अभी स्टार्टिंग करने से पहले क्लास के हम तीन चार चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि इसने पूछा था सर नींद आ रही है, ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसने कहा कि सर मेरा भाई मुझे प्रैक्टिस करवाता है, करवाने की इंग्लिश क्या होगी? उसके अलावा कुछ लोग अभी मैं आते आते ना, मुझे किसी की याद आ गई, फिर मुझे याद आया ओ वो तो लीचड़ है, क्या है इस लीचड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कई बार गुस्से में कहते हैं ना नीच इंसान उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हो? चलो बताएंगे, लेकिन पहले एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। यस, कोई काम करना नहीं करवाना किसी से, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक। क्या यूज़ करते हैं? मेक। मेक देखो मीनिंग मत निकालो कि मेक मतलब बनाना, ये एक वर्ड के 100-100 यूजेस मिलेंगे आपको। गो मतलब जाना होता है ना, लेकिन गो मतलब होना भी होता है, मैंने आपको बताया था। क्या अलग अलग मीनिंग कैसे निकल रहे हैं कैसे निकल रहे हैं? नाम क्या आपके भाई का? जैसे पास्ट का बैंड हो गया, गो का, और अभी का जाना हो गया। हाँ हाँ, गो कह रहा बैंड कैसे बन गया? हिंदी में कैसे बन गया? हिंदी में जैसे बन गया ऐसे, जैसे हिंदी में बन गया ऐसे इंग्लिश में भी बन गया। बस सेम रिपल, जैसे कि मान लो हिंदी में आप क्या बोल रहे हो, वर्ड तो खाना है, फ्यूचर की बात करते हो तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, खाऊंगा। ये खाऊंगा क्यों बन गया, खाना क्यों नहीं रहा? तो बेटा जब तक बदलेंगे नहीं कि गो का वेंट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बात कब की चल रही है। ये इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ही हमारी बातें होती हैं, दिखता है जो टेंसेज वाली बातें होती हैं हमारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, या तो काम किया था, या काम करते हो, या कर रहे हो, या कोई काम करोगे, ऐसी तो बातें होती हैं ना हमारी, राइट। जब तक इसको बदलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किया था है, कर रहे हो है, या करते हो है, या फिर करोगे, फ्यूचर की बात है। जैसे हिंदी में हम फ्यूचर के लिए गागे लगा रहे हैं, पास्ट के लिए था थे लगा रहे हैं, राइट, ऐसे इंग्लिश में भी उस एक्शन की फॉर्म्स बदलनी होती है। मैं जाता हूँ तो आई गो, जा रहा हूँ तो फिर आईएनजी की डिमांड करता है वो, राइट, गोइंग। मैं गया था, और था की इंग्लिश वोजवर नहीं होती, उस था की इंग्लिश अपने दिमाग में बचपन से बिठा रखे है कि था मतलब वोजवर। वो था तो बहुत सारे सेंटेंसेज में आ सकता है, वोजवर खुद अपने आप में किसी चीज़ का पास्ट है, और वो किसका पास्ट है? इज एम आर का, यानी जिस सेंटेंस में हमने इज एम आर लगाया है प्रेजेंट में, उसका पास्ट क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म बनेगी। तो इज़ामर की सेकंड फॉर्म क्या है? वोजवर। यानी जिसमें प्रेजेंट में इज़ामर आया जिस सेंटेंस में, उसमें पास्ट में वोजवर आएगा, लेकिन जिस सेंटेंस में प्रेजेंट में इज़ामर आया ही नहीं, उसमें वोजवर नहीं आएगा। इज़ामर अपने आप में एक एक्शन होता है, वर्ब होती है, उसी की सेकंड फॉर्म लग जाती है, लेकिन इसी सेंटेंस में वो वर्ब नहीं लगी, दूसरी वर्ब, जाना, नहाना, खेलना, कूदना, लाखों हजारों करोड़ों वर्ड्स होते हैं, तो उन्हीं वर्ब्स की तो सेकंड फॉर्म लगेगी। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, लाउडली, अब इसमें क्या आया है? एम आई, तो इसमें क्या जाएगा? वो जाएगा, आई वॉज अ टीचर, क्योंकि एम का जो पास्ट होता है वो वॉजवर होता है। लेकिन मैंने कहा मैं खेलता हूँ, आई प्ले, लाउडली, इसमें एम आया कहीं पर? मैं खेलता हूँ, आई प्ले, इसमें क्या आया है? इज एम आर की जगह क्या आया है यहाँ पर? प्ले आया है ना, तो प्ले की ही सेकंड फॉर्म आएगी, जो प्ले है तो प्ले की सेकंड फॉर्म आएगी ना, आई प्लेड। बोलो, जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई डांस तो नहीं कहता ना मैं, आई प्ले, मैं खेलता हूँ की इंग्लिश क्या होती है? आई डांस होती है? नहीं होती ना। ऐसे ही वोजवर भी नहीं आ सकता, वोजवर तो तब आएगा जब आप किसी चीज़ को होने की बात करोगे, क्लियर है? अगर मैंने कहा ना मैं हूँ, अब होना तो हूँ, होने की बात होगी ना, मैं एक नेक दिल इंसान हूँ, नेक दिल इंसान क्या होता है? गुड स्मैरिटन, क्या होता है? लेकिन मैंने कहा मैं था गुड स्मैरिटन, मैं होने की बात है तो पास्ट में होने की बात हो तो इज़ामर का पास्ट और वोजवर होता है, आई वॉज गुड स्मैरिटन। लेकिन जब होने की बात ना हो, कुछ अलग काम करने की बात हो, यानी इज़ामर की जगह हमारे पास दूसरा कोई एक्शन आ जाए, तो उसी एक्शन की क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म लगा देंगे। मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, और मैं खेला था तो आई प्लेड। अब इसमें प्ले की सेकंड फॉर्म बन गई प्लेड, वोजवर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वोजवर भी लगा रहे हैं और थर्ड फॉर्म भी लगा रहे हैं, तो वो तो आपने एक ऐसा काम कर दिया कि इज़ामर की भी सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी इज़ामर का पास्ट भी लगा दिया, प्ले की भी सेकंड फॉर्म लगा दी, राइट, उसके भी पास्ट लगा दिया आपने। फिर तो एक काम करो, चार पांच वर्ड और उठा लो साथ में, डांस भी लगा दो, है ना, जंप भी घुसेड़ दो साथ में ही,
क्योंकि जैसे ओवर एक्शन है वैसे ही ये भी तो एक्शन है, राइट? तो एक सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते ना आई डांस्ड प्लेड वेंट टू बेड, हो सकता है ये क्या कह रहे हो आप, आई डांस्ड प्लेड वेंट टू बेड, या तो मैं कहूँगा मैं नाचा था आई डांस्ड, मैं खेला था आई प्लेड, मैं सो गया था आई वेंट टू बेड, ऐसे ही मैं था तो आई वॉज। तो जबरदस्ती चार चार पाँच पाँच सौ ना वर्ब्स आ जाएंगी जिसका कोई मतलब भी नहीं है, रेलेवेंस नहीं है कोई चीज़ से, लेकिन हम क्या करते हैं इज़ामर को थोड़ा दूसरे एक्शन की तरह लेकर नहीं चलते, हमें लगता है इज़ामर कोई अलग ही चीज़ है, इसमें ये डिफरेंस है बाकी उसे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी खुद ही हो जाता है और मेन वर्ब भी खुद ही हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं तो इज़ामर ही लगाते हैं ना, यानी हम क्या कहते हैं उसमें वो चीज़ है, वो है ऐसा, जैसे कि हमने कहा वो लीचड़ है, ये बहुत बार बोला लीचड़ इंसान है, सुना हो ना सबने वर्ड, उस लीचड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Do you know? Loudly. But Deepak sir knows. लीचर को बोलते हैं स्लगिश, क्या बोलते हैं? स्लगिश, राइट? तो स्लगिश हम होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में होने की बात कर रहे हैं कि भाई वो स्लगिश है, लीचर इंसान है, तो ही इज स्लगिश, लाउडली, लाउडली। अब यहाँ पर होने की बात है ना, तो हम क्या बोलेंगे? इज़ामर लगाएंगे ना, होने की बात है तो बोलो ही इज स्लगिश। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? इज़ामर एक्शन है इसमें, होना स्लगिश तो एक क्वालिटी है बेटा, वो कैसे एक्शन हो सकता है? वो तुम बता रहे हैं लीचड़, ये कोई काम थोड़ी ना है, अगर ये एक्शन होता है कोई काम होता तो मैं पूछता कि आप ये बताते फिर सर आज सुबह सुबह मैं लीचड़ करके आई हूँ, जैसे नहा के आए हूँ, खाना खा के आए हूँ, है ना, तो लीचड़ एक काम होता तो ऐसे बोलते ना लीचड़ करके आए, लीचड़ करके आते हो कभी, तो लीचड़ तो काम नहीं है, ये क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होती है? नॉन एक्शन होती है, राइट? तो वह लीचड़ है, कैसे बोलेंगे? इज लीचड़ गई, अरे ही इज लीचड़, तो ही इज लीचड़ नहीं गया ना, ही इज स्लगिश, कैसे बोलेंगे? अब इसमें इज़ामर एक्शन है यानी होने की बात है, तो इसी के अगर पास्ट की बात करते कि वो था, तो इज़ामर की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट, वो था पहले लीचड़ और सुधर गया, ही वॉज स्लगिश, फिर से बोलो, और दूसरा हम कहते हैं किसी को नीच इंसान है, बड़ा ही नीच, गिरा हुआ इंसान है, मतलब बिल्कुल घिनौनी वाली दृष्टि से, मतलब सोच कर देख कर, बड़े नीच इंसान है, गिरा हुआ इंसान, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कम बैग, क्या बोलते हैं? स्कम बैग, वंस अगेन, वो है तो पहले था अब तो सुधर गया, ही वॉज स्कम बैग, राइट? इज़ामर का ही पास्ट बन गया वॉज पर, ही वॉज स्कम बैग, ओके। दूसरा डाउट था इसका लड़की का कि सर नींद आ रही है, तभी मैं कहता हूँ ना ट्रांसलेशन कभी नहीं करनी, ट्रांसलेशन के हिसाब से तो नींद आ रही है, स्लीप इज कमिंग, मजा आ गया सर, है ना, तो इट्स नॉट स्लीप इज कमिंग, आई फील स्लीपी, क्या बोलोगे? अब देखो नींद आ रही है सर, रहा रही रही आ गया इसमें तो, अगर फिर से ट्रांसलेशन की अगर बात कर देते हैं यहाँ पर हम, तो आई एम फीलिंग स्लीपी होना चाहिए, आ रही है, रहा रही रही में तो आईएनजी आता है ना, सर मुझे नींद आ रही है कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग स्लीपी, स्पोकन में हम इसको अलाउ कर सकते हैं, स्पोकन में लोग बोल देते हैं चल जाता है, बट एग्जैक्ट इंग्लिश इसकी होगी आई फील स्लीपी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसे हम बोलते हैं आई फील स्लीपी, क्या बोलेंगे? यहाँ पे आई फील स्लीपी क्यों होगा पता है? आईएनजी क्यों नहीं लग रहा, लेकिन रहा रही रही आ रहा सर फिर भी, ऐसे मैंने आपको बताया था कि हजारों सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पर रहा रही रही नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा तब भी वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और कई बार रहा रही होगा तब भी वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, तो इस तरीके से पहली बात तो पहचान करनी छोड़ दो, सिर्फ रूल्स को समझा करो, फील जो शब्द होता है इसके साथ रूल होता है किसके साथ आईएनजी नहीं आता, मैंने आपको बताया था ना कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं आता, जैसे कि अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना, मैं समझ रहा हूँ सर, आप तो सिर्फ बस रहा देखते हो, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, तो इसको भी प्रेजेंट में बनाना होता है आई अंडरस्टैंड, क्या बोलोगे? लाउडली, तो इंडेफिनेट में बनाया आपने इसको आई अंडरस्टैंड, आई के पास सीधा एक्शन लगा दिया, या फिर आप बोलोगे वर्ड को ही बदलो फिर वहाँ पर, समझने के लिए और भी वर्ड होते हैं हमारे पास, कैच होते हैं, रिसीव होता है, गेट होता है, सर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आई एम गेटिंग, फिर से बोलो, आई एम गेटिंग, और मैं समझ गया तो आई हैव गॉट इट, आई हैव
ऑर्डर, तो काम हो जाता तो क्या लगाते हैं, हैज़ अब लगाते हैं, है ना। तो मैं समझ गया, आई हैव गॉट इट। इसने उस दिन मैसेज में क्या लिख रखा था, आई एम अंडरस्टैंड। तो बार बार प्रैक्टिस करवा रखी है तो मैंने बहुत बार कि समझ गया तो काम हो गया, तो हैज़ अब लग गया ना, मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड या फिर आई हैव गॉट इट। लेकिन जब समझ रहा हूँ तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई एम सिर्फ आई एम गेटिंग होगा, आई एम रिसीविंग, आई एम कैचिंग होगा। ओके, ऐसे ही फील जो होता है, या हमारे जो सेंसेस से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, सेंसेस जो हमारी इंद्रियां हैं, सूंघना, स्मेल करना, राइट, लुक देखना, फील करना, इस जो सारी चीज़ होते हैं, इनके साथ हमें आईएनजी नहीं लगाना होता। और कई बार आईएनजी लगता है तो मीनिंग भी बदल जाता है, लगता है तो कई बार अलग सिचुएशन में लगता है। जैसे कि मैंने सी बोला, सी सी देखना होता है। अगर मैंने कहा ना आई एम सीइंग कैटरीना टुनाइट, अब ये नहीं कि मैं कैटरीना को देख रहा हूँ आज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैटरीना को देख रहा हूँ, सी तो सर देखना होता है, राइट। आई एम सीइंग कैटरीना, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है मिलने की बात है, मैं आज कैटरीना से मिलूंगा या मिल रहा हूँ। टुडे आई एम सीइंग कैटरीना, लाउडली जैसे बोलो, कई बार बोलते हैं सी यू देयर, वहाँ मिलते हैं, ऐसे बोलते भी, सी यू टुमारो, सी यू सून, अब तो ठीक है, इस चीज़ तो वही है, हम देर लगा दिया, वहाँ मिलते हैं आपसे। ओके, आपसे कोई वहाँ नहीं मिला ना, इसलिए आपने सेंटेंस नहीं सुना आपने सिर्फ ये सुना कि जल्दी मिलते हैं, सी यू सून, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, ना वहाँ मिलो तो होगा ना, सी यू देर। तो आगे सुनो, वहाँ पे एंट्री नहीं होगी आपकी, ताज होटल। तो भाई आज मैं कैटरीना से मिल रहा हूँ, ताज होटल में कैसे बोलूँगा, आई एम सीइंग कैटरीना टुडे एट ताज होटल, राइट। तो यानी सी मतलब यहाँ पर मिलने का मीनिंग दे रहा है, ना कि उसको देखने का, गॉट इट, यस सर। ओके, दूसरी चीज़ हमने क्या बोला, ऐसे ही फील, फील के साथ भी आई एन जी नहीं आता, इसीलिए हमें इसको इनडेफिनेट में बनाना चाहिए। तो मुझे ठंड लग रही है, कैसे बोलूँगा, आई फील कोल्ड, आई फील हॉट, कोल्ड, कोल्ड, यो आई फील कोल्ड, फिर से बोलो, आई फील कोल्ड, लाउडली, आई फील कोल्ड, लाउडली, आई फील कोल्ड, आई फील कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो बस स्पोकन में थोड़ा बहुत चला लेंगे हम। तुम्हें ठंड लग रही है क्या, कैसे पूछेंगे, डू यू फील कोल्ड, डू यू फील कोल्ड, वंस अगेन, डू यू फील कोल्ड, वंस अगेन, डू यू फील कोल्ड, डू यू फील कोल्ड, डू यू वो भी हो गया इसका मीनिंग, दोनों होते हैं इसके मीनिंग, वो सिचुएशनल अपने आप देखना पड़ेगा। ए सी जोन, डू यू फील कोल्ड, ठंड लग रही है ए सी ऑन है, सर प्लीज़ टर्न ऑफ द ए सी, आई फील कोल्ड, सर ए सी बंद कर दो, मुझे ठंड लगती है नहीं, मुझे लग रही है, ये सेंस हो गया अपने आप, सिचुएशनल होगा अपने आप, राइट। तो वैसे मन करेगा आपका बनाने का आर यू फीलिंग कोल्ड, लेकिन सही क्या होगा, डू यू फील कोल्ड, फिर से बोलो, नहीं मुझे तो ठंड नहीं लग रही सर, आई डोंट फील कोल्ड, मन कर रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड होना चाहिए, है ना, लेकिन क्या आएगा सही, आई डोंट फील कोल्ड, इसको ठंड लग रही है तो इसको नहीं लग रही, शी डजंट, फिर से बोलो, इसको ठंड नहीं लग रही थी, She didn't feel cold. Loudly. सभी सेंटेंसेस बनाते रहा करो साथ साथ, और आप लोग भी बनाते रहना, और अगर आप बना नहीं पा रहे तो उसका मतलब यही है कि आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है या तो देखी नहीं है, और या फिर साथ साथ आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, सभी लेसन सीक्वेंस में देखना, तभी आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आने वाले जो लेसन सब आपके लिए टफ होते चले जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कब लग रहा है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, जिसने प्रैक्टिस की होगी वो डेफिनेटली हर एक सेंटेंस साथ साथ हमारे बना सकता है। सो प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और आपको एक एक सेंटेंस अपने साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो हमारी ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो हमारे साथ तो अभी हमें कॉल करें। तो समझ आया बेटा, तो ऐसे ही लुक भी एक वर्ड होता है, हम कॉल देते हैं, हाँ हम कहते हैं हैंडसम लग रहा है लड़का, यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, क्या बोला आपने वर्ड लास्ट में, वेरी हैंडसम, बहुत ही हैंडसम कह रहे हो, हैंडसम कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, हैंडसम कह रहे थे ना पहले, हाँ वही मैं कहना चाह रहा था बेटे, हैंड इसमें नहीं बोला जाएगा, डी नहीं बोला जाएगा, मतलब इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम, 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 इट्स नॉट हैंडसम, हमारे याद हो गया, हैंडसम, ये हैंड,
इट्स नॉट हैंडसम, इट्स हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम। दीपक सर इज ऐसे करके नजर लग जाएगी। आई मे कैच एन ईविल आई, कैसे बोलूंगा? आई मे, हाँ तो नजर लग सकते हैं मुझे। आई मे कैच एन ईविल आई, ऐसे ठीक है, ठीक है सर। नजर ना लगे कैसे बोलेंगे? टच वुड। वंस अगेन, तो हमें देखो किसी को ये नहीं बोला कि यू आर लुकिंग हैंडसम, क्या नहीं बोलना, क्योंकि लुक में भी एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बोलते हैं, है ना। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ही इज़ लुकिंग हैंडसम, ही इज़ लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग सैड, राइट। तो यू आर लुकिंग हैंडसम में गलती पता क्या है? नहीं पता वो गलती, बताया तो था एनर्जी नहीं लगना, बोलो। हाँ फिर से बोलो, यू लुक हैंडसम, नो यू लुक हैंडसम। ये दोनों मिस्टेक्स पे ध्यान रखना, यू लुक हैंडसम। वंस अगेन, अगर हम किसी को ये बोलते हैं ना यू आर लुकिंग हैंडसम, इसका थोड़ा सा ये सेंस चली जाती है कि आप कह रहे हो कि आज तो हैंडसम लग रहा है, बाकी दिनों तो ना भिखारी सा लगता था, समझ रहे हो? ये वाली फीलिंग जाती है इसके अंदर हमेशा, तो इसको इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता इसके टाइम जी फॉर्म गॉट इट। पूछोगे हैंडसम लग रहा हूँ क्या, हैंडसम लग रहा हूँ क्या, डू से होगा, एम आई से दिमाग में आ रहा, बार बार एम आई लुकिंग आ रहा है दिमाग में, है ना। लग रहा हूँ सर, रहा रहे रही तो आंसर आना चाहिए, नहीं डू आई लुक हैंडसम, कैसे बोलोगे? फिर से बोलो, क्या वो हैंडसम लग रहा है? डज ही लुक हैंडसम? वंस अगेन, वैसे मन क्या कर रहा होगा, इज ही लुकिंग हैंडसम? ओके, ऐसे ही नींद आ रही है तो आई फील स्लीपी ना कि आई एम फीलिंग स्लीपी। जब हम कहते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है कुछ काम करने का, मन करता कई बार, जैसे कि मेरा पीटने का मन कर रहा है, वो बात है खुजली हो रही है हाथ में, तो मेरा आज पीटने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है कि इंग्लिश क्या होती है? माई मन मेरा मन कर रहा है, कैसे कहोगे? Do you know? I don't know. Who knows? Deepak sir, no. देखो मन करने की इंग्लिश होती है फील लाइक, क्या होती है? फील लाइक। वो क्यों खोल रहे हो? कुछ खाने का मन कर? फील लाइक। मैंने कहा फील लाइक करिए तो उबासी ले रही है लड़की, कैसे बोलेंगे? She is yawning. इसने उबासी ले ली, हाँ हंस रही है तो हंस ली, तो रोज हंसती है, क्या आप भी हंसते हो? मैं नहीं हंसता, कौन हंसता है फिर? ये हंसती है, उबासी लेती है क्लास में, यॉन्स इन, नहीं सर उबासी नहीं ले रही थी, ये कैसे बोलेगी ना? I was not yawning. Loudly. Once again. मेरा तो खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला। अब देखो मन कर रहा है, क्या बताया मैंने इंग्लिश इसकी? Feel like. फिर से बोलो, feel like. अब feel आ गया तो आएंगे तो आएगा नहीं, तो I feel like. अब जो इसके बाद में वर्ड आएगा ना, एक्शन आएगा, उसके जेरंड फॉर्म आती है। जेरंड फॉर्म क्या होती है? जब एक्शन में हम ing लगा देते हैं, ओके, और वो नॉन एक्शन बन जाता है। हर बार वर्ब में आईएनजी लगकर वो एक्शन नहीं रहता, वो काम नहीं रहता, राइट। आप हर बार सोचो कि आईएनजी आ गया तो मतलब कंटिन्यूअस टेंस ही है, नो, आईएनजी लगकर वो नाउन बन सकता है कई बार। जैसे हमने बोला स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, क्या बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, दोनों में आईएनजी आ रहा है, स्पीकिंग पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस थोड़ी ना ये, हमने तो क्या कहा है, बोलने से ही बोलना आता है। ध्यान से देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें एक्शन कम है। आई कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स, दे कम, है ना। ऐसे स्पीकिंग आती है, बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बोलकर, बाय स्पीकिंग। तो स्पीकिंग स्पीकिंग जो स्टार्टिंग और एंड में आया, ये दोनों क्या है? नॉन एक्शन है हमारे, ये कोई एक्शन नहीं है, गॉट इट। जैसे कि मैंने कहा डांसिंग इज माई हॉबी, अब इसका मतलब ये थोड़ा कि आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। मैंने उस डांसिंग को नॉन एक्शन बनाया है, एक यानी वो नाचने की एक्टिविटी। मुझे शॉपिंग पसंद है, आई लाइक शॉपिंग, मैं जाता हूँ शॉपिंग पर, आई गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग आ रहा ना, आईएनजी आ रहा ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा था आई वेंट फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग पर गया था, यानी वो काम तो ख़त्म भी हो चुका है ना, वेंट सेकंड फॉर्म लग गई।
शॉपिंग तो फिर भी आ रहा है, टेंस इसमें कोई भी बदल जाएगा लेकिन शॉपिंग तो शॉपिंग रहेगा क्योंकि नॉन एक्शन बना हुआ है। तो आई एन जी लगकर भी क्या बन जाता है, नॉन एक्शन बनता है, इसको हम जेरंड फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेरंड फॉर्म, राइट। ऐसे फील लाइक के साथ भी हमारा आई एन जी आएगा जो कि जेरंड फॉर्म होगी, क्योंकि एक्शन तो इसमें फील है, वो नॉन एक्शन है। तो मेरा मन कर रहा है नाचने का, आई फील लाइक डांसिंग। फिर से बोलो, आई फील लाइक डांसिंग। आपका नाचने का मन कर रहा है क्या? डू यू फील लाइक डांसिंग? मेरा तो नहीं कर रहा, इसका पिटने का कर रहा है। बट शी फील्स लाइक, नहीं पिटने का कर रहा है ना, तो बीट तो हो गया, तो इसका पीटने का मन कर रहा है, और बीट भी लगाओगे तो आई एन जी लगाना पड़ेगा। ये बोलो, दीपक सर का इसे पीटने का मन कर रहा है। दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर। कैसे बोलेंगे? पहले हिम लगाया था ना इससे पहले? अच्छा, वहां से लग गया था। दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हिम हर। जिसे बोलो, दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर। दीपक सर का पीटने का मन कर रहा है लेकिन इसका पीटने का नहीं कर रहा, इसका पिटने का कर रहा है। तो शी क्या होगा? इसका पिटने का मन कर रहा है। अब बनाओ, दीपक सर फील्स लाइक बीटिंग हर, शी फील्स लाइक नाउ क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? गेट बिटन, या तो गेट बिटन लगाओ या फिर बी बिटन लगाओ। गेट मतलब वो होना काम, ठीक है ना। बिटन का मीनिंग बन गया यहाँ पे पिटाई, वो चीज़ उसके साथ होने की बात हो गई, बी या फिर गेट। गॉट इट? बी बी से ज़्यादा ना आपको होना होता है, तो क्या ये चाहती है पिटना? शी वॉन्ट्स टू बी बिटन। शी वॉन्ट्स टू बीट नहीं, शी वॉन्ट्स टू बी बिटन, शी वॉन्ट्स टू गेट बिटन। गॉट इट? ऐसे ही इसका मन कर रहा है, तो मन करने की तो फील लाइक होती है। शी फील्स लाइक गेटिंग बिटन। फिर से बोलो, she feels like getting bitten. या फिर बी लगाएंगे तो बींग हो जाएगा, जेरंड फॉर्म आते बताया मैंने। फिर से बोलो, she feels like being bitten. Once again, she feels like being bitten. Once again, she feels like being bitten. तो इसका नाचने का मन कर रहा है। she feels like dancing. क्या आपका रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है? Like, do you feel like taking या eating rasgulla? फिर से बोलो, हाँ सर रसगुल्ला मुँह खोल रही थी, पकड़िए इसका सच में रसगुल्ला खाने का। हाँ तो इसका रसगुल्ला खाने का मुँह कर रहा है, मुँह कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इसका रसगुल्ला खाने का मुँह कर रहा है, मन कर रहा है। बोलो, she feels like eating rasgulla. Once again, she feels like eating rasgulla. पूछें कैसे, क्या उसका मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का? Does he? डज आएगा तो बेटा फील्स नहीं रहेगा। हाँ फिर से बोलो, डज ही फील लाइक ईटिंग रसगुल्ला? वंस अगेन, लाउडली, तो मेरा तो पीटने का मन कर रहा है। आई फील लाइक बीटिंग समवन, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, किसी को पीटने का। आई फील लाइक बीटिंग समवन वंस अगेन। अश्ली लाइक मीटिंग समवन, या सम बड़ी कुछ भी बता सकते हैं। गॉट इट? आई कैन सी विद योर जेस्चर्स, योर आईज आर टेलिंग, कुछ बना दो, योर आईज आर टेलिंग। आई कैन अंडरस्टैंड विद योर जेस्चर्स, बाय योर जेस्चर्स, योर जेस्चर्स आर टेलिंग एवरीथिंग। ओके, फिर लाइक समझ में आ रहा है। अब देखो, जब इसके बाद एक्शन आएगा तो आई एन जी आएगा, क्योंकि नॉन एक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन सीधा नॉन एक्शन भी आ सकता है कई बार, तो हमें फिर आई एन जी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सीधा फील लाइक लगा के वो लगा दो। जैसे कि पिज्ज़ा, मेरा पिज्ज़ा का मन हो रहा है, अब इसको मैं सेंस है कि पिज्ज़ा क्या बेचने का मन हो रहा है, खाने का ही हो रहा है ना, तो आई फील लाइक पिज्ज़ा। कैसे बोलोगे? वंस अगेन, क्या आपका पिज्ज़ा का खाने का मन हो रहा है? वी फील लाइक पिज्ज़ा। यहाँ पे हमने एक्शन नहीं डाला, हमने सीधा उस चीज़ को ही लगा दिया, तो भी ये मीनिंग वही देगा। पिज्जा में तो आई जी थोड़ी ना लगा दोगे, पिज्जा तो पिज्जा ही अपने आप में नॉन एक्शन है, तो क्या पिज्जा का मन हो रहा है? डू यू वंस अगेन, फिर से बोलो, मेरा पार्टी का मन हो रहा है? आई फील लाइक पार्टी, मतलब क्या हो गया, पार्टी करने का, पार्टी देने का, कुछ भी हो सकता है ना वो, अब देने का तो मन करता नहीं, करने का ही होता है। आई फील लाइक पार्टी, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, तो इसका ढोकले का मन हो रहा है, शी फील्स लाइक ढोकला, और ढोकला खाने का मन हो रहा है तो शी फील्स लाइक ईटिंग ढोकला। समझ में आया? एक्शन आया तो आई एन जी आ जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं।
अंडरस्टूड यस और नो? यस और नो? यस। ओके, तो मेरा उड़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक फ्लाइंग। कैसे बोलेंगे? आई फील लाइक फ्लाइंग। तुम्हारा भी उड़ने का मन कर रहा है क्या? फील लाइक फ्लाइंग। उड़ा देंगे। बताओ मुझे कैसे? Do you feel like flying? Once again? Do you feel like flying? सर मेरा उड़ने का मन नहीं कर रहा। I don't feel like flying. लेकिन इसका उड़ने का मन कर रहा है। She feels like flying. इसे बोलो। She feels like flying. और उसका कर रहा है तो? She feels like flying. पूछें कैसे उसका कर रहा है क्या? Does he feel like flying? नहीं सर कल कर रहा था। No sir. I felt like flying yesterday. मेरा रोने का मन कर रहा है सर। I feel like crying. कल रोने का मन कर रहा था सर बहुत ज़्यादा। I felt like crying. ये तो नहीं होगा ना मेरा करेगा कल रोने का मन। ये नहीं फिक्स होना होता है कल मेरा सर रोने का मन करेगा। 4 से 5 मिनट से बात मत करना। क्यों सर? 4 से 5 मिनट रोने का मन करेगा ना तो फ्यूचर तो नहीं बनेगा इसका, राइट? तो ऐसे फील लाइक का हम यूज़ करते हैं। तो फिर आप मैं लगा सकते हो, है ना? आई मे फील लाइक क्राइंग बट आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन हम फ्यूचर की नहीं कर रहे। चलो हाँ काम पर दे। मैं तो इसलिए लग जाएगी, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बताया था मैंने फ्यूचर के लिए मैं लगता है पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर विल लग गया तो श्योर हो गया मेरा, पक्का करेगा। सर 4 से 5 बताना, बात ही मत करना। क्यों नहीं करनी? सर 4 से 5 मेरा मन करेगा ना आइसक्रीम खाने का, रोने का, खेलने का, कूदने का। तो हमने कहा भी वो हैंडसम लग रहा है। वो क्या बोलेंगे? ही लुक्स हैंडसम। वंस अगेन पूछें कैसे क्या वो हैंडसम लग रहा है? Does he look handsome? हो गया क्लियर यहाँ तक? ऐसे ही ट्रांसलेशन देखो करनी नहीं है। जैसे कि इसने पूछा था ना नींद आ रही है, तो यहाँ पर भी फील ही तो है ना। कैसे बोल के समझे नींद आ रही है तो? I feel sleepy. अभी इसने ये नहीं कहा मेरा मन कर रहा है, ध्यान से समझना। अगर इसने कहा होता कि मेरा मन कर रहा है सोने का, तो फिर तो वो पूरा इकट्ठा है वो हमारा, ठीक है ना? फील लाइक like. तो मेरा मन कर रहा है सोने का सर। I feel like sleeping. फिर से बोलो। I feel like sleeping. सोने का मन कर रहा है क्या आपका? Do you feel like sleeping? नहीं सर सोने का नहीं कर रहा है, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है। No, I don't feel like sleeping. But I feel like studying. आपने क्या बोला? I feel like studying. हाँ जी, नहीं लगाया था शायद, है ना? लगाया। अच्छा फिर ठीक है। I feel like studying. Once again. I feel like studying. Okay, तो ये लड़की ये गलती कर रही थी। स्टडी में जो सुनाई दिया था यहाँ से कहीं से, तो आई फील लाइक सच में पिटने का मन कर रहा है इसका। शी फील्स लाइक बींग बिटन। कैसे बोलेंगे? तो ट्रांसलेशन मत क्या करो। मन कर रहा तो फील लाइक जेरन फॉर्म, और नींद आ रही है तो तो बोलो शी फील्स फील लाइक नहीं है, मन थोड़ी ना कर रहा है। शी फील्स स्लीपी। फिर से बोलो। फिर से बोलो। आपको नींद आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही। इसको आ रही है? तो आगे से ध्यान रखना, रहा रहे रही देख कर सीधा अपना आई एन जी बोलो छेड़ दिया करो हर टाइम, राइट? आई शुड नॉट फील स्लीपी। आगे सुनो, तो रहा रहे रही मत देखा करो, स्ट्रक्चर्स रूल्स उन पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि हिंदी की कंस्ट्रक्शन क्या है आपकी। हिंदी की फॉर्मेशन मत देखा करो कभी भी। ओके मैंने कहा कि मेरा गला बैठा हुआ है, अब क्या 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 माय थ्रोट इज सिटिंग। ट्रांसलेशन कर दोगे गलत हो गया ना? नो no. क्या होगा? मेरा गला बैठा हुआ है और आंखें दुखनी आई हुई हैं। क्या कहोगे? माय पेनिंग आईज हैव कम। आई है ना? सुनो जब बोलते हैं ना गला खराब है, तो आप बोलते हैं सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं? यानी मेरे पास जो गला है वो सोर थ्रोट है। तो आई हैव वंस अगेन आंखें सोर आइज, आंखें दुखनी जो होती है हमारी। आई हैव सोर आइज। कैसे बोलेंगे? पूछें कैसे क्या आपका गला खराब है? डू यू हैव अ सोर थ्रोट? चलो डू से अभी हमने बताया नहीं, वैसे आता तो है डू से भी, और भी कई चीज़ें आती हैं वो हम आगे अच्छे से बात करेंगे, अभी उसके लिए भूल जाओ। अभी आप हैव को ही आगे लेके आ जाओ। जब हम कहते हैं मेरे पास कोई चीज़ है, तो हम बोलते हैं आई हैव। क्वेश्चन करेंगे तो हैव को आगे ले आओ, राइट? क्या आपका गला खराब है? हैव यू अ सोर थ्रोट? है तो यस आई हैव अ सोर थ्रोट, लेकिन नहीं है तो आई हैव नॉट अ सोर थ्रोट। कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट अ सोर थ्रोट। वंस अगेन आई हैव नॉट अ सोर थ्रोट। लाउडली आई हैव नॉट अ
इसकी आंखें दुख रही हैं तो She has sore eyes. कैसे बोलेंगे? She has sore eyes. आंखें दुख नहीं है इसकी? She has not sore eyes. नाक बह रही है? She knows. She has nose. अब बोलो. कम. इसकी नाक बह रही है. अब यहाँ भी रहा रही देखे जरूरी नहीं क्या पाइनजी लगा दो. इसकी नाक बह रही है तो ऐसी नाक जो बह रही है उसको बोलते हैं रनी नोज. क्या बोलते हैं? रनी रनिंग नहीं रनी रनी नोज. क्या बोलते हैं? तो इसकी नाक कैसी है? रनी नोज है. यानी इसके पास ऐसी नाक है भी जो कि रनी है. शी हैज अ रनी नोज. कैसे बोलेंगे? जिस दिन आप ऐसे करो ना सर एक बार मैं जाऊँ क्लास से बाहर थ्राउट करने. आई हैव अ रनी नोज. क्या बोलेगी? आई हैव अ वंस अगेन. तो सर इसकी नाक बह रही है. हालांकि इस सेंटेंस को ना आप कंटिन्यूस में भी बना सकते हो. अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को कंटिन्यूस में भी बना सकते हो. अब रन एक्शन हो जाता है इसमें. नहीं नहीं शीज नहीं फिर हर नोज इज रनिंग. कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो. लेकिन इसका अब वो मत बना देना इसका नाक ने मतलब रन कर लिया. हर नोज हैज रन. भाग गया ऐसे नहीं होगा. ठीक है ना? यहाँ पे भागना मीनिंग नहीं है क्योंकि बहना है. इसका नाक बह गया ऐसे नहीं. भाग कैसे जाएगा? रन लगा रहे ना वर्ड. कुछ लोग साइंस लगाते रन तो भागना होता है. तो हिंदी वाला मीनिंग नहीं देखना हमें. तो या तो हम बोलेंगे शी हैज अ रनी नोज. कैसे बोलेंगे? लाउडली शी हैज अ रनी नोज. या फिर रन को एक्शन लगा दो. हर नोज इज रनिंग. फिर से बोलो. बार बार बह के आ रहा है फिर बह के आ रहा नीचे फिर खींच रही. हम कहेंगे इतना नाक बह रहा है. बोलो. Your nose is running. या फिर गोपाल बेचारा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा. बार बार नजर जा रही है इसकी. बोलो सर. She has a runny nose. फिर से बोलो. ये मीटर बार बार ऊपर मत खींचो जाके. बोल लिया ना सभी. Have you? बोल लिया सर. I have spoken. या फिर हम बोल लिए तो We have spoken. किसी को कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? Anybody wants to ask? किसी का मन कर रहा हो पूछने का? सर मेरा कुछ पूछने का मन कर रहा है. आई फील लाइक आस्किंग समथिंग. वो ठीक है वैसे आपके. लेकिन मन कर रहा वाला सेंटेंस बनवाना चाह रहा था इसलिए मैंने फील लाइक में बनाया. मेरा सर कुछ पूछने का मन कर रहा है. आई फील लाइक आस्किंग समथिंग. फिर से बोलो. जैसे नॉर्मली हम इसमें यहाँ पर मन नहीं बोलेंगे. आई मीन सिंपल बोलना चाहेंगे हम कि भाई मैं कुछ पूछना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग. लेकिन मन की ही बात है तो फील लाइक. गॉट इट? आज के लिए काफ़ी है. लेट्स कॉल इट अ डे. एक तो बेटा आप लोग ना वीडियोस को देख लेते हो ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो ना कमेंट करते हो. पता कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं. एक एक वीडियो को तैयार होने में आप तक पहुंचने में 10-10, 12-12 घंटे तक का समय लगता है. हमारी फुल डे के एफर्ट्स लगते हैं. और मैं अपने चैनल से कुछ कमाता नहीं हूँ. मैं बल्कि लगाता हूँ. एडिटिंग कॉस्ट होती है, कैमरा होता है, लाइटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों का सेटअप हमारे पास. उन चीज़ों की कॉस्ट आती है. एसी चलता है, बिल आता है, राइट? तो मैं अपनी जेब से उन चीज़ों के लिए लगा रहा हूँ पैसे. लेकिन आप लोग कम से कम आपसे मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मैं कुछ पैसे वैसे नहीं मांग रहा. सिर्फ आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो और क्या करो, अपना प्यारा सा कमेंट करो. कुछ बच्चे करते हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ. और आप लोग भी सुनो इधर, कमेंट्स नहीं आते आप लोगों के भी. तो आज से सबको क्या करना स्टार्ट करना है? कमेंट करना. देखो अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है? पढ़ाना. वो मैं पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ. राइट? या सुनो. लाउडली या सुनो. लेकिन क्या आप लोग अपनी गुरु दीक्षा दे रहे हो मुझे? नहीं दे रहे ना. एकलव्य ने क्या किया था? अंगूठा काट कर दे दिया था. तो आपको भी अंगूठा काटना नहीं है. आपको भी अपना अंगूठा मैं मांग रही हूँ कि अंगूठा काट कर दे दो. नो, आप इसका यूज करो अच्छे से. लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. हमें भी बुरा लगता है इतनी मेहनत करते हैं. लेकिन आप लोग क्या नहीं करते? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैंने यूट्यूब वालों से भी बात की थी इस बारे में. बोले कि आपका मोर देन 80% जो ऑडियंस है ना वीडियो देख के निकल जाती है. यूट्यूब वालों ने ये बोला हमें. बोले ना तो सब्सक्राइब करते, ना लाइक करते, ना कमेंट करते. कर दिया करो. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक यू वेरी मच. हाँ ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. तो कहते हैं ना तुम्हारी अच्छी बात नहीं है लड़की. मैं बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हो तुम्हारी अच्छी बात नहीं है ये. कैसे बोलेंगे? इट्स नॉट गुड ऑफ यू. फिर से बोलो. इट्स नॉट गुड ऑफ यू. वंस अगेन. इट्स नॉट गुड ऑफ यू. ये बिना नाहमत आ गया लड़की. अच्छी बात नहीं दे रही. इट्स नॉट गुड ऑफ यू.
मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ये बार बार मुंह खोल रही है। हाँ वेरी गुड, वीडियो देख कैसे निकलना नहीं चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसे निकल जाते हो ना अच्छी बात नहीं आपकी। इट्स नॉट लाउडली, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, कर दिया करो। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। और अगर आप वीडियोस देख कर इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो तो कॉल करके कॉल इसके बारे में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।